नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये ललन टॉप की टीम है जो हिलती डुलती हुई अपनी अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है। दीदी बर्तन थोड़ा देरी थोड़ा धीमे से खड़काओ, ये एक मीटिंग शुरू हो गई है और ये मीटिंग खुली मीटिंग है। ऐसे जैसे ललन टॉप वाले पहले अपने शुरुआत के दिनों में खुले खत बहुत लिखते थे, सब लोग लिखने लगे तो हमने अपने खत बंद कर दिए। तो ये मीटिंग इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में एक बहुत ही जागरूक किस्म की बहस चल रही है, ज्वलंत मुद्दे पर बहस, कि वर्क फ्रॉम होम गुड और बैड। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक वाद विवाद प्रतियोगिता का संचालक हूं और ऐलान कर रहा हूं, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो ये ललन टॉप की टीम के कुछ लोग हैं और ये लोग यहाँ पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग बाकी काम नहीं कर रहे हैं, खलियर हैं, इसलिए यहाँ चले आए हैं। हिंदुस्तान के लोग फालतू की बहसों में बहुत शामिल होते हैं। तो इसमें कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम मानव जाति को मिला सर्वश्रेष्ठ वरदान है और ये अनंत काल तक यूं ही चला रहना चाहिए। दूसरी टोली है जो कहती है वर्क फ्रॉम होम एक थोपा हुआ अभिशाप है, इस महामारी के चलते हुआ है और हमें पता भी नहीं चल रहा कि ये कितनी बीमारियों को कितनी दिक्कतों को पैदा कर रहा है। और ये लोग मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं जितनी जल्दी हालात सामान्य हो हम दोबारा से दफ्तरों में दाखिल हों, टाइम वेस्ट करें, चाय ब्रेक लें, खूब दुनिया भर की पंचायतें करें। और घर वाले सोच रहे हैं कि हम घर के काम के बीच में ही कितनी सारी चीजें निपटा लेते हैं, बीच बीच में घर वालों को हॉक भी देते हैं। तो इस तरीके के दो पहलू हैं। मैं हूं आपका मॉडरेटर, आपका होस्ट, आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी, और मैं बारी बारी से थाली के बैंगन की तरह दोनों पक्षों में लुढ़कने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले गणेश वंदना होती है, बूढ़े बुजुर्गों को याद किया जाता है, हमारे यहाँ भी यही परंपरा है। तो शुरुआत करेंगे सिद्धांत मोहन से। अगर सिद्धांत मोहन सस्ते रिटायर्ड डीएसपी, शुरू हो जाओ। वीडियो कहीं जा रहा है तो अमित जी का स्वागत कीजिए। बहुत दिन बाद कहीं वीडियो में दिखेंगे ललन टॉप के। हमको लगता है हाँ गुजरात चुनाव के बाद क्या ऐसा कुछ। अच्छा, मेरा तो देखिए वर्क फ्रॉम होम में दो मिक्स तरह का ख्याल है। ठीक है, पहला है कि मुझे लगता है कि पैरेलली ललन टॉप के 5-6 स्टूडियो चल रहे हैं, हर 5-6 भी उन 5-6 स्टूडियो से दिन भर के 8-10-12 वीडियो हर एक स्टूडियो से निकल के आ रहा है। ठीक है, और वीडियो की क्वांटिटी हमारी बढ़ी हुई है और लेकिन क्वालिटी हमारी काफी खराब हो गई है। इसलिए लगता है कि ऑफिस जाया जाए, वीडियो की क्वालिटी हमारी सुधरे इसलिए ऑफिस जाना चाहिए। और लेकिन घर से काम करने का अपना ये मजा है कि कम से कम थोड़ा सा ज्यादा शांति है, ऑफिस के चकल्लस के मुकाबले थोड़ा सा शांति लगती है अबे घर पे। चकल्लस करते तो तुम हो, ना ना, उल्टा हम काम सबको करते तुम हैं। गाड़ते हो अरे है। हम काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, जब तुम घर से काम करते हो तो तुम्हारे ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर का शिकार कौन बनता है? कोई नहीं, मतलब शांति से काम करते रहते हैं अपना। कभी कभार अब ये एक बार होता है और कि शांति से बोलोगे ना, हम यही कुर्सी से नीचे फर्श पे कूद जाएंगे। नहीं सर, तब क्यों बोलेंगे, तब दोबारा नहीं बोलेंगे। अच्छा लेकिन ये, लेकिन तुमने बहुत ही ये फॉर्मल किस्म का जवाब दिया सिद्धांत मोहन। क्या नहीं इनफॉर्मल, नहीं देखिए सही से बताओ। घर से काम करने का मजा है। दोपहर में तो दाल चावल खा लिए तो आधा घंटे का नींद भी मार लेते हैं कभी कभी। अमित चौधरी ये नोट करें। दोपहर के दाल चावल के बाद देखिए एकदम शास्त्रीय और परंपरा है कि आपको नींद आती ही है और ये हमने सुना मानव। है कि कोलकाता में लोग अपनी दुकानें बंद कर देते हैं दोपहर में सोने के लिए, ये हाँ, सत्य है क्या? हम भी सुने ये, मतलब हमको मतलब पता नहीं, सुने हम भी कलकत्ता में नहीं नहीं ये दोपहर सच में है, ये बिल्कुल सच है। अच्छा दोपहर को मार्केट्स बंद, मतलब ऐसे मॉल्स वॉल्स छोड़कर जो बाकी रेगुलर दुकानें हैं परचून वगैरह की, वो सब बंद रहती हैं। बिकॉज मेरी फ्लैटमेट है कोलकाता से एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। भोपाल में तो बिना दाल चावल खाए दुकानें बंद कर देते हैं दोपहर में, 12 दोपहर में कई बजे जगह, दुकान दोपहर में कई जगह दुकानें बंद कर बंद। देते हैं, खासतौर से जहां पर गर्मी वाले जो इलाके हैं वहां पर कुछ वो दोपहर में आपको दुकानें बंद मिलती हैं सुबह शाम। मेरा मेरा एक सपना था और ये वो दौर था जब मैं सपने देखता था और उन्हें सच करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था, कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा दौर आए, एक ऐसी मुझे नौकरी या व्यवसाय मिल जाए जिसमें मैं दोपहर में 1.5-2 घंटे भोजन करके सो सकूं। और लेकिन अब तो ये पीक पर अपना काम ही पहुंचता है दोपहर में। जैसे आज मैं सोच रहा था कुछ किचन में बनाते हुए और मुझे इस मीटिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, फिर अचानक अभी भी
हमारे टेलीफोन ऑपरेटर का बिल आ जाता है, कभी भी इंटरनेट चला जाता है, कभी भी नेता लोग आ जाते हैं टीवी पे। वैसे अचानक प्रतीक्षा जी का कॉल आया कि अरे वो मीटिंग है। लालिमा जी आप बताइए कि कुत्ता कहाँ भूख रहा है आपके स्क्रीन पे? अबे हमको कुत्ता बोल रहे हो तुम? अरे नहीं भाई, आपके यहाँ है ना शायद वो, क्या नाम? नहीं 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 नहीं, ये शाश्वत के यहाँ से था। बाकी लोग अपने माइक म्यूट करें, जब बोलना हो तब ऑन। अरे हमारा वो वीकेंड विजिटिंग कुत्ता है। तुम जोरावर की बात कर रहे हो बेटा? सिद्धांत हमारे भाई का। हाँ लालिमा। हाँ सर, मेरा तो सबसे पहले आने जाने की जो बहुत, मुझे कई बार मेट्रो में बहुत दिक्कत होती थी। आती तो मैं मॉर्निंग में थी तो कैब वगैरह मिल जाती थी, लेकिन लौटने में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी मेट्रो में, कई बार एक डेढ़ घंटे लग जाते थे। तो ये मेरा टाइम बच गया है। तुम तो यहीं इतने दफ्तर के पास रहती हो एक डेढ़ घंटा? सर शाम में निकलते थे ना, तो शाम में क्या होता है कि बहुत सारी मतलब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कई बार मेट्रो में जगह मिलने के लिए भी हमको दो दिन मेट्रो चली जाए उसका वेट करना पड़ता है। खड़े होने की भी कई बार जगह नहीं होती थी, तो कभी कभी लग जाता था एक आध घंटे। बाकी ऐसे अगर सब कुछ ठीक रहा, मेट्रो टाइम पे मिल गई या फिर भीड़ नहीं रही, तो आधे घंटे में पहुंच जाती थी। तो एक तो ये आने जाने की जो झंझट है वो थोड़ी कम, मतलब वो नहीं है। और दूसरा जो बार बार चाय वाय पीने के लिए नीचे जाते थे ना, तो वो उसका भी वक्त बच रहा है। और घर, हाँ, और एक्सरसाइज करने का टाइम मिल रहा है, जो मैं थोड़ा बहुत सही, लेकिन हाँ मतलब करना शुरू कर दिया है। और सब पैसे भी बच रहे हैं थोड़े से, अतर कतर खाना कम हो रहा है, आने जाने का भी बचा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले, मेरी पत्नी ने बाजार से कुछ मंगवाया खाने के लिए, और मैं मन ही मन खोल रहा था कि ये लो ससुर। अच्छा हमको क्या है, छोटे छोटे पैसे खर्च हो हमको बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा खर्चा हमको खर्चा नहीं लगता, छोटे खर्चे जितने बच जाएं 10-20-50-100-200 रुपए। तो वो खा रही थी सैंडविच, और मैंने कहा हाँ देखो ये 250 रुपए चले गए, हम फटाक से कुछ छोंक देते, या वो दीदी आती है वो कुछ बना देती। पर फिर हमने अपने आप को समझाया कि अगर ये दफ्तर में खा रही होती तो हमको कैसे पता चलता। सो यू आर राइट, बहुत पैसे बच रहे हैं लाली। और कोई दिक्कत नहीं है वर्क फ्रॉम होम में कि ऐसे लाइट नहीं आ रही या इंटरनेट कनेक्शन या कभी भी पूरे वाला आवाज लगा दे? हाँ वो तो थोड़ा बहुत होता ही है, तो वो तो हल्ला तो ऑफिस में भी होता ही है कई बार। अच्छा, लेकिन ये हम लोग बिल्कुल ऐसे वन बाय वन बाइट ले रहे हैं, जबकि हमें लग रहा था वाद विवाद होगा ऐसे, हम वो टीवी एंकर की तरह फील करना चाहते थे जिसमें तुम लोग एक दूसरे की लानत मलानत कर रहे हो। तो ऐसा करो, पहले मुझे ये बताओ कि कौन कौन वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में है कि ये वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। हाथ ऊपर करिए। लाली, प्रतीक्षा, उमा, शक्ति, सिद्धांत और अमित और शाश्वत भी। कौन कौन वर्क फ्रॉम होम के विपक्ष में है? प्रेरणा, अभिषेक और आयुष। मेरा अपना अच्छा। है, पर मुझे लगता है सबका अपना अपना हो सकता है, मतलब। ओ भैया ऐसा है ना, ज्यादा साबरमती के संत ना बनो। ठीक है, अब सबसे पहले मौका मिलेगा अभिषेक को, प्रेरणा को और आयुष को। आप बताइए कि क्यों ये जो आपकी विपक्षी टीम है इसका आइडिया निहायत ही खज्जल किस्म का है, और क्यों आपको लगता है कि दफ्तर में आकर ही काम करना चाहिए। प्रेरणा सर, सबसे पहले तो एक मतलब जस्ट टू बी क्लियर, हमने ये जो बाइनरी बना दी है ना हमने कि ये एकदम ही खराब है या एकदम ही अच्छा। अरे यार फील लेने तो टीवी डिबेट का, तुम ये साबरमती के संत 2 बन रही हो। अरे हम लोग कैसे सीखेंगे ये, कैसे झगड़े लगाए जाते हैं? तो बिल्कुल बाइनरी बनी हुई है, आइदर यू आर विद अस और यू आर विद देम, एकदम पार्टी की थोड़ा फील ला भाई। आई स्टैंड विद द ट्रुथ सर, बट बताओ बताओ क्यों इन लोगों के दिमाग खराब हो रखे हैं घर पे काम कर करके, क्यों ये लोग मक्कार हैं? ये शब्द आपके हैं सर, पर हाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्क फ्रॉम होम में हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है कि जिसका प्रोफाइल सूटेबल है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए वो लोग घर से काम करें तो अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफाइल नहीं हो सकता घर सारी चीजें करके वहां से काम कर सके। कई और वर्क फ्रॉम होम को लेकर के बहुत समय से डिबेट चल रही है कि इसे कर देना चाहिए या लोगों को मौके मिलने चाहिए, जो कि सही है, मैं उस चीज से डिसएग्री नहीं करती। मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप घर पे काम करते हुए डील नहीं कर पाते हैं सब चीजों से, आपका रूटीन बहुत
मैसअप हो जाता है, मतलब आपका जो आपकी जो पर्सनल प्राइवेट लाइफ है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स हो जाती है. आपका कोई एक जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, भले ही कुछ देर एक्स्ट्रा रुकना पड़े, काम है ज्यादा, किसी दिन कुछ बिजी न्यूज डे है तो हम लोग रुक करके कर लेते हैं, फिर हम घर वापस आ जाते हैं. लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम होता है तो वो एक क्लियर डिवाइड नहीं होता हमारी लाइफ. ये प्रेरणा ने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि पर्सनल और प्रोफेशनल की लाइन ब्लर हो जाती है और आप स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर पाते हो. प्रतीक्षा जी क्या कहेंगी इस पे, आप विपक्षी टीम से प्रतीक्षा जी के व्यू लेंगे? मैं बहुत मजा आ रहा है इसमें, मतलब मैं इस बात से अग्री करूंगी कि पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच की जो लाइन है वो ब्लर होने लगी थी, पर मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ बिगिनिंग में हुआ था, क्योंकि अभी ऐसे 3.5-4 महीने बाद वी आर एबल टू गेट यूज टू इट, एंड इफ वी आर नॉट एबल टू गेट यूज टू इट तो मुझे लगता है कि फिर हमारे अंदर कोई समस्या है. प्रतीक्षा कह रही है कि प्रेरणा के अंदर कोई समस्या है, ऐसा इल्जाम लगाया प्रतीक्षा ने. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा. अभी अभी प्रतीक्षा ने कहा कि प्रेरणा के अंदर कोई समस्या है, प्रेरणा इससे डील नहीं कर पा रही है. आयुष आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा के अंदर समस्या है और आपके अंदर भी समस्या है? आप टीवी एंकर की तरह मेरी बात काट नहीं सकते. आप सुनिए, प्रेरणा के अंदर समस्या नहीं है, समस्या सिचुएशंस में है, ठीक है? क्योंकि प्रेरणा जहां तक मुझे पता है वो अकेली रह रही है, और उनकी जगह मैं होती तो मैं भी बिल्कुल तुरंत ऑफिस भागना चाहती. तो बहुत एक सॉफ्ट प्रस्ताव प्रेरणा की तरफ दल बदल के लिए थोड़ी सी तारीफ कर दी गई है आलोचना के अंत में. आयुष क्या तुमको लगता है कि तुम और प्रेरणा तुम बुरी तरह से फेल हो गए तुम लोगों के अंदर? ये अकेले रहने की बात नहीं है, मैं प्रतीक्षा जी को ये बताना चाहूंगा. मैं दो लोगों के साथ रहता हूँ और वो दोनों अच्छे लोग हैं, मैं इन दोनों से कहीं दूर नहीं भागना चाहता हूँ. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज का एक माहौल होता है, ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ. तो ऑफिस का एक माहौल होता है, वहाँ पे जैसे दी ऑफिस आपने सीरीज देखी होगी तो हर ऑफिस की अपनी एक कहानी होती है, वो वहाँ पे बन रही होती है, एक फिल्म शूट हो रही होती है अगर बिना कैमरे के, तो वो चीज़ घर पे नहीं हो पाती है. तो मैं तो लाइफ को ऐसे ही देखता हूँ कि हर जगह कहानी के अलग अलग आयाम बिखरे पड़े हैं. ऑफिस मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा आयाम था जो कि मिसिंग है, तो इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा है. आयुष जी कह रहे हैं कि वो माहौल की तलाश में दफ्तर जाते हैं, काम तो इंसान कहीं भी कर लेगा. उमा जी क्या आप इस माहौल को मिस नहीं कर रही हैं, आपने घर पे ही माहौल बना लिया है? सर अब पहले क्या होता रहा था कि थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब क्या जैसे कि सबको पता है कि इसका इतने बजे से इतने बजे तक का ऑफिस टाइमिंग है तो उतने बजे से तक काम करते हैं. और जैसे कि ऑफिस की बात है, काम तो हम लोग उससे ज्यादा ही कर रहे हैं घर पे. ये भी नहीं होता कि घर जल्दी जाना है या फिर इस टाइम पे आना है और फिर यार घर जाने का भी टाइम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं. आप 7 बजे से आप अपना जो भी शिफ्ट होती है आप उसमें काम शुरू कर. ये कह रही है कि अभिषेक त्रिपाठी प्रेरणा और आयुष ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, ये लोग घर में रहकर ज्यादा काम कर रहे हैं और अभी ये तीनों लोग मक्कार हैं, ऑफिस आना चाहते हैं ताकि ज्यादा काम ना करना पड़े. अभिषेक त्रिपाठी आप क्या कहेंगे इसमें? काम तो हाँ, मतलब काम को मतलब कैसे डिफाइन करेगा, अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो हो सकता है ज्यादा हो गई स्टोरी वीडियो, लेकिन जो एक ऑब्जर्वेशन होता है वो घर में रह के किल होता जा रहा है. जैसे कोई इंसान पढ़ के कुछ सीखता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, उससे अपनी खबरों में वो चीजें झलकती हैं उसके. कई लोग होते हैं जो ऑब्जर्वेशन से चीजें लिखते हैं, किसी को देखते हैं, ऑफिस में बात कर रहे हैं उसी से इंट्रो निकल आता है खबर का, तो वो चीज हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते ना. मतलब फॉर एग्जाम्पल एक चीज मुझे याद आ गई कि एक बार हम लोग ऑफिस में बैठे थे तो कोई बात हुई तो प्रतीक्षा ने किसी बात में बताया कि चिकना शब्द जो है वो बड़ा ऑफेंसिव होता है, उसको यूज जितने आसान तरीके से हम लोग यूज कर देते हैं वैसे नहीं यूज करना चाहिए. तो ये तो बातों बातों से निकल आया ना, उससे एक चीज पता चल गई, ये चीजें घर से नहीं हो पा रही. अब घर से हम किसी को फोन मिला के तो 4 लोग को इंगेज करेंगे नहीं, या मेरे 1-2 दोस्त होंगे उनको कर लेंगे, लेकिन वो जो पंचायत बैठती थी वो नहीं बैठ पा रही. और दूसरी चीज वही है जो अभी बात हो रही थी कि डिटैच नहीं हो पा रहे काम से. जैसे बहुत मैंने नोटिस करा कि 4-5 बहुत दिन बीच में बीत गए थे, वहां थे हम दिल्ली में, अभी तो कानपुर आ गए, कि शटडाउन नहीं हो रहा था लैपटॉप, स्लीप मोड पे चला जा रहा था. जब काम छोड़ा स्लीप मोड में चला गया, क्योंकि अभी कुछ आ जाएगा छोटा मोटा, ज्यादा काम नहीं आते बाहर से, मतलब अपने काम वर्किंग आवर्स के बाहर, लेकिन छोटा मोटा कुछ आ जाता है तो ये सोचते हैं कि यार क्या ही इसको मना करना, तो स्लीप मोड में डाल के काम चल रहा था लैपटॉप, शटडाउन हो ही नहीं रहा है. और दूसरी चीज यही कि ऑब्जर्वेशन जो रहता है जो राइटिंग में भी काम आता है वो किल होता जा रहा है. शक्ति कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, ये अभिषेक का एक कमजोर तर्क है, वो दफ्तर आना चाहते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना चाहते हैं. जी शक्ति जी.
सर ऑब्जर्वेशन तो आदमी कहीं से भी ले सकता है, वो घर से भी बहुत सारी चीजें देख सकता है, घर परिवार में बहुत सारे लोग बात करते हैं उसमें। हालांकि अभिषेक का कहना सही है कि ये सब चीजें होती है, ऑफिस में भी आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, घर में भी आप देखते हैं जो हमारे अंदर जो हमारा जो देश है, जो हम जहाँ से भी आते हैं, हम जहाँ रह रहे होते हैं, तो वो बातें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में गुजर रहे हैं, शब्द गुजर रहे होते हैं, कुछ वाक्य या कुछ घटनाएं, तो वो भी नई चीज आ रही होती है। ऑफिस में हम बेसिकली एक तरीके से मतलब बाध्य भी हो जाते हैं, और वर्क फ्रॉम होम में बेसिकली मैं ये मेरा ये भी पूछना था कि मतलब वर्क फ्रॉम कहाँ रह के, मतलब अपने जो आपका मूल निवास है वहां पे या एक शहर में आके घर पे काम करना, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप अपने जिस जगह से आप आते हैं वहीं जाके आप काम कर रहे हैं तो एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय शहर में वर्क फ्रॉम होम करने के, क्योंकि उसमें तो एक तरह से आप लालिमा की चॉइस गलत है। लालिमा यही दिल्ली के अपने फ्लैट में रह के वर्क फ्रॉम होम कर रही है, जो की गलत कर रही है, इनके दल के बीच फूट नजर आ रही है। लालिमा को वापस छिंदवाड़ा जाके काम करना चाहिए था। लालिमा क्या कहेंगी आप? नहीं, मैं यहाँ पर काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिन भर पूरा टाइम मिल जाता है, मेरा पति चला जाता है साइट पर, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं होती, वो आता आराम से 6-7 बजे तक है, तो मैं आराम से। लालिमा ने एक बड़ा बयान दिया है कि पति के घर रहने से टेंशन होती है और इनका पति साइट पर चला जाता है इसलिए टेंशन नहीं होती है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो रहता तो अभी स्क्रीन पे काम रहते, तो आपकी बात को रिपीट किया है सर। और दूसरा, छिंदवाड़ा में मेरे भाई लोग हैं और वो डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ लोग बहुत हल्ला करते, तो उनके साथ तो मैं काम कर नहीं सकती थी, तो मुझे कोई। रक्षाबंधन के ठीक पहले लालिमा का एक और बड़ा बयान भाइयों के खिलाफ कि भाई लोग हल्ला करते हैं और दिक्कत पैदा करते हैं। अमित चौधरी, आप अपने भाई के साथ रहते हैं, क्या आपका भाई हल्ला करता है? नहीं, कतई नहीं। मैं शक्ति और लालिमा वाली बात में कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा, इसको बल्कि और मैं बढ़ाना चाहता हूँ ये वर्क फ्रॉम होम के बजाय। मतलब क्यों, पहली बात तो एक, अगर हम ये दिक्कत दूर कर पाए, वर्क फ्रॉम होम की सबसे बड़ी जरूरत अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट है, जो कि मेरे गांव पर अभी उपलब्ध नहीं है, वरना मैं शायद अपने गांव पर होता। दूसरी चीज, जैसे मुझे घूमने का शौक है, लेकिन आप साल भर में कितनी बार घूमने जा पाएंगे? 1-2 बार। वर्क फ्रॉम होम अगर हर जगह नेट सही मिले, और मान लीजिए जैसे कि मैं गया कश्मीर और वहां पर अनंतनाग में एक छोटी सी जगह है, वो बड़ी खूबसूरत जगह है, रहने की अच्छी व्यवस्था, बढ़िया नदी बह रही है, नेट वहां बढ़िया आ रहा है। अगर मुझे ऐसी जगहें पता रहे और मैं जाके वहां मान लीजिए 2-2 हफ्ते रुक के काम करना चाहूँ, तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? मैं अमित जी की टीम में आ गया हूँ ये बात सुन के। लेकिन आयुष, दल बदल कानून के तहत कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी एंटी डिफेक्शन लॉ आप पे नहीं लगेगा। आप 3 लोग हैं, 3 में 1 व्यक्ति पाला नहीं बदल सकता है। अरे किसी और को घूमने में मजा नहीं आता क्या? क्या अभी घूमने को वर्क इज प्लेजर इज वर्क मिक्सिंग, वो कभी साल के कुछ कुछ महीनों में ऐसा कर सकते हैं। मैं उनकी टीम में जाकर, वो साल के बाकी महीनों में कर लेंगे ना, लेकिन कभी कभी घूमने का मन करता है तो ऐसे करते हैं। हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को परमानेंटली अप्लाई नहीं कर सकते किसी चीज में, हम लॉन्ग टर्म की छोटी सी जगह पे अभी इंटरनेट नहीं आ गया है। नहीं नहीं, घूमना नहीं नहीं, वहाँ पर है नहीं ना सर, हम घर आए और मेरा फ्रेम ही नहीं सेट हो रहा है। वहाँ पे नेट है, बहुत अच्छा नेट है, और अगेन नेचर ऑफ वर्क है सर। आप नेचर ऑफ वर्क वाली बात आती है, मैं आ रहा हूँ उसी बात पर। अरे बोलने दीजिए सब लोगों को, इतना भी टीवी वाला फील मत लाइए। ये कुछ ही दिन ये था कि आप कुछ ही दिन कर सकते हैं, बाकी दिन के लिए जैसे मैं मान लीजिए अपने गांव पर रह रहा हूँ, जो अभिषेक ने बताया कि आपको मतलब ऑब्जर्वेशन की बात जो की उन्होंने, टीम से जो आपको ऑब्जर्वेशन लेनी होती है वो आप टीम मीटिंग में बैठ के ले सकते हैं। बाकी आपको जो ऑब्जर्वेशन लेना है वो आप अपने गांव घर मोहल्ले के लोगों से भी ले सकते हैं, वो भी आदमी है, एक समाज में रह रहे हैं, उनका भी वो भी बातें करते हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं। मतलब गांव में मुझे तो लगता है कि वो ज्यादा ठीक रहेगा कि मैं या हम सारे लोग अपने अपने गाँव रहें, वहाँ के लोगों को देखें, वहाँ के काम धंधे को जानें, वो हमारी स्टोरी में रिफ्लेक्ट करे, ये और बेहतर बनाएगा, बजाय इसके कि हम सारे लोग सुबह ऑफिस जाएं, एक ही बातें कर रहे हो सुबह से शाम तक, रात को वापस घर आकर। अमित चौधरी के बयान में 4 बड़ी बातें समझ में आई। पहली ये कि लल्लन टॉप के सब लोग दफ्तर में सुबह से रात तक बातें करते हैं। दूसरी बात, नेहरू ने आजादी के बाद शहरीकरण की जो योजना बनाई थी वो गलत थी, या फिर नरेंद्र मोदी जो स्मार्ट सिटी परियोजना लेकर आए वो भी गड़बड़ थी। अमित जी नारा दे रहे हैं गाँव की ओर लौटो। तीसरी चीज, अमित जी ने जम्मू कश्मीर टूरिज्म का अभी अभी सटल ढंग से प्रचार किया
और चौथी चीज अमित जी ने बताई अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर कि गांव में कोविड 19 की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी हैं, ये गांव में सब लोगों से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। अब बढ़ते हैं शाश्वत की तरफ जो एक बहुत बड़े गांव में रहते हैं जिसका नाम बलिया है और इस पे ट्रोल्स मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। जी शाश्वत सर, गांव में अगर शाश्वत आपको मेरी आवाज आ रही है? शाश्वत शाश्वत अरे थोड़ी देर रुकना था भाई। हाँ बोलो। गांव में अगर मतलब मैं जहां हूं अगर इंटरनेट बेहतर हो तो मतलब इससे बेहतर जगह कोई है नहीं। जैसा गांव आप सोचते होंगे, अगर आपने गांव नहीं देखा हो, ठीक वैसा ही गांव है मेरा। और मतलब 8-10 किलोमीटर खेत है पीछे, लाइट भी कट जाती है थोड़ी सी आधी आने पे, तो मतलब बिजली और नेट सही हो जाए तो बहुत मजा है। खा पी के सोने का भी सही इंतजाम रहता है। अच्छा अब ये तो ये हो जाए कि चंद्रमा में कुछ अच्छी पत्ता गोभी उगने लगे तो हम चाउमीन का ठेला लगा ले। नहीं सर, मतलब जैसे एक और बात यह है ना कि जैसे मैं ऑफिस आने के बाद चूंकि नया नया था तो ये फील कर पाता था कि मैं लौटता हूँ तो एकदम बाहर चला आता था। अभी घर से क्या है कि लगातार इन्वॉल्व रहता हूँ मैं, तो थोड़ा ठीक भी लगता है। अच्छा आप सब लोग हमारे पास 15 मिनट और है, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए एंड दिस इज सीरियस क्वेश्चन। हम में से कई लोगों के लिए ये एक किस्म का रिलीफ होता था कि हम जिस घर में हमेशा रह रहे हैं उससे बाहर निकलते थे, काम भी करते थे, लोगों से भी मिलते थे, चार लोगों से इंटरेक्ट करते थे। अभी डोंट यू गाइस फील केज्ड कि आपका फिजिकल मूवमेंट ना के बराबर है, उन्हीं 2-3-4 कमरों में आप मूव कर रहे हो, आप मिल नहीं पा रहे हो, मेंटली एंजाइटी फील नहीं होती आप लोगों को? मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगी भी और जवाब भी दूंगी। पहली चीज कि हम जो केज होने की बात कर रहे हैं वो, और वर्क फ्रॉम होम के लिए केज होना शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इस समय एक स्पेशल सर्कमस्टेंस में हमें मिला हुआ है। आने वाले समय में होपफुली व्हेन वी विल हैव बेटर टाइम्स, बाकी सारी हमारी सोशल लाइफ ओपन हो जाएगी। इट्स ओनली हमारे ऑफिस के 9 घंटे जो होंगे वो हमें घर पे रहने होंगे। आई थिंक उन परिस्थितियों में वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए बहुत बेटर हो जाएगा। दूसरी बात, सिर्फ जो अभी सबने इंटरनेट के की बात कई लोगों ने बोली, इसके अलावा एक बड़ी चीज हमारा फर्नीचर भी है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों के पास आई वुड से ऑफिस फर्नीचर नहीं है। ऑफिस फर्नीचर बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, उस जो चेयर होती है, जो टेबल, उसकी जो हाइट है, जो चेयर की एडजस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बैक की और अलग अलग तरह की तकलीफें हो रही हैं। वर्क फ्रॉम होम होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको एक जगह बैठना है, आपको कैद रहना है। कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन खत्म होने के बाद अगर हम वर्क फ्रॉम होम को एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तौर पर देख रहे हैं तो हमारी पूरी सोशल लाइफ दोबारा रिज्यूम हो जाएगी, जब हम जहां पे हमें केज्ड नहीं फील करना होगा। और उसके बाद आई थिंक वर्क फ्रॉम होम कैन बी अ बेटर ऑप्शन, और जो लोग अभी ऑफिस जाने के पक्ष में है शायद उनमें से भी कुछ लोग इस पाले में आ सके। हाँ अमित जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा जो जिसका पहले कुछ लोगों ने जिक्र भी किया और जो सबसे बड़ी दिक्कत मानी जाती है वर्क फ्रॉम होम में, कि प्रोफाइल की बात होती है कि आपका प्रोफाइल ऐसा नहीं है। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ कि जैसे हमारे एंकर्स जो हैं उन्हें जाके शूट करना चाहिए या ऐसा गड़बड़ हो रहा है वैसा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हर चीज का समाधान ऐसे ही निकलता है। जैसे कि मतलब आपके घर पर सेटअप लगा या सौरभ के घर पर, दूसरे जो हमारे सौरभ हैं उनके यहाँ पीछे, मतलब आपको 3-4 ही चीजें चाहिए होती हैं उसके लिए बेसिकली। पीछे आपके दीवार पर एक वॉल कुछ पेपर लग जाए, आप माइक यूज कर रहे हो, ट्राइपॉड यूज कर रहे हो, और एक लाइटिंग। मतलब दुनिया भर में लोग ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, न जाने कितने फिल्में शूट हो रही हैं फोन पे, आपको और कैसा सेटअप चाहिए। और सारी मीटिंग्स, मतलब ये शुरू होने से पहले हम में से कौन जानता था गूगल मीट कौन यूज करता था या जूम कौन यूज करता था, लेकिन ये शुरू हुआ तो फिर मतलब ये चीजें थी पहले से, हम सब ने यूज करना शुरू किया। हर चीज का समाधान है, वो अपनाए जाने, उस प्रैक्टिस में आने की जरूरत है। शुरू में 1-2 दिन हमें भी दिक्कत आई कि वर्क कैसे मैनेज करें ये सब, फिर गूगल मतलब सोचा गया, गूगल शीट का सिस्टम बनाया गया, हर एक प्रोसेस तय की गई कि ऐसे ऐसे स्टोरी असाइन होगी, ऐसे ऐसे वीडियो यहाँ यहाँ। अमित जी आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है कि गिवन परिस्थितियों में हमने ये सब चीजें अडॉप्ट कर ली है, लेकिन क्या उस चीज का कोई रिप्लेसमेंट है? फर्ज करिए आपका एक टाउन हॉल हो रहा है,
जिसमें आप हम सब लोगों को कुछ समझा रहे हैं किसी कंसेप्ट के बारे में। अब वही चीज जब डिजिटली समझाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो उतने इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो पाता है। इट्स लाइक मीटिंग अप मीटिंग योर फ्रेंड इन रियल एंड डूइंग अ वीडियो कॉल, आई मीन देयर इज अ डिफरेंस राइट। आप ऑफिस में सब लोग साथ बैठे हो, एक दूसरे को रिएक्शन दे रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, नॉलेज शेयर कर रहे हो, जैसे अभिषेक ने बताया कि एक शब्द पे कैसे प्रतीक्षा सिखाया, तो वो चीज तो मिसिंग है ना। कई चीजें हम आमने सामने तुरंत तुरंत बता देते हैं, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, या यही जैसे हमें बातचीत करनी थी तो नेट की कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है या दूसरे इशू आ रहा है, तो वो रिप्लेसमेंट कैसे है कम्युनिकेशन का? वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन बात वही है कि जैसे एवरेज टाइम आप ऑफिस आने जाने का मानेंगे किसी का तो वो कम से कम एक घंटा बैठेगा ही बैठेगा, कि कोई भी ऑफिस जा रहा है वापस आ रहा है, दो घंटे दिन में उसके जा रहे हैं, उतना टाइम को जाने में एक सवा घंटा लगता है, आने में दो ढाई घंटे लग जाते हैं। हाँ, उतना टाइम वो अगर मतलब काम में कुछ पढ़ने में जो कुछ काम कर रहे हैं उससे जुड़ी रिसर्च करने में और देंगे तो उस चीज की दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ किसी ने कुछ बता दिया या ऑफिस या उस डिस्कशन में से कुछ पॉइंट्स मिल जाते तो ये बेहतर हो जाता। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी सर, जब सर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तो खैर हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं तो हमें अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, हमें गैदरिंग्स में नहीं जाना है, ये सारी चीजें अभी हम फॉलो कर रहे हैं। टीपी जैसे प्रतीक्षा ने बोला कि बाद में आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हमारी सोशल लाइफ रिज्यूम हो जाएगी तो दैट विल बी अ रिलीफ, मैं समझ रही हूँ वो चीज, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इंसान एक सोशल एनिमल है, हर तरह के माहौल में इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है और लोगों के साथ उसकी अलग रैपो बनती है। आप मेल पे हर चीज कन्वे करेंगे, उसका टोन कन्वे नहीं होता। आप किसी हीटेड टॉपिक पर डिबेट करना चाहेंगे वो डिजिटली, मतलब मैं नहीं समझती कि वो पूरे अच्छे तरीके से हो सकती है। जिस तरह से आप अगर टाउन हॉल करते हैं, अगर ये टाउन हॉल अभी एक कमरे में टीम के सभी लोग के साथ हो रहा होता तो हम ब्रिटिश और के लोगों के और भी व्यूज सामने आते, पर डिजिटली हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, ऐसे दो तीन बार मैंने भी देखा है कि आप जो कहना चाहते हो सामने वाला उस चीज को इसलिए सही तरीके से नहीं ले पाता है क्योंकि आप टेक्स्ट जो है वो टोन कन्वे नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी चीज है, तो वो वाली जैसे अभी आपने प्रेरणा, अभी आपने सिद्धांत को जानवर कहा, सिद्धांत आपका इसपे क्या कहना है? नहीं नहीं सर, मुझे इस पे एक बात कहनी है, जो बात क्या जानवर पे हमारा टाइम खत्म होने वाला है, जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है ऑफिस कल्चर पे जो बात हो रही है सर, ऑफिस कल्चर पे क्या तुम जानवर हो? हाँ मैं जानवर हूँ सर, एकदम हूँ। कौन से जानवर हो? मैं आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी चुन लीजिए। नहीं नहीं, प्रेरणा ने तुमको सोशल एनिमल कहा, एनिमल मतलब जानवर। सर इस चीज पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, प्रेरणा सर मुझे आयुष फटाफट सर, जरूरी चीज ये है ना कि देखिए ऑफिस का कल्चर जो था हम लोग के लिए था कि हम लोग करते थे कि हमारे पास ऑक्टोपस था, तमाम चीजें थी, ज्यादा ज्यादा सुविधाएं थी हमारे पास, ठीक है, असाइनमेंट बगल में था, दौड़ के चले जाते थे कुछ भी लेने, कुछ भी क्लेरिफाई करने, दौड़ के कभी नहीं जाते थे तुम, बहुत धीमे धीमे जाते थे डब्ली बाबू। लेकिन सर हम अपने पास सर इस समय ना जो पैंडेमिक सिचुएशन है तो अपन स्वास्थ्य द्रोही नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि ऑफिस में जाके बैठे हैं सेंट्रल एसी में, एक कोरोना पॉजिटिव तो 50 लोग और हो जाए। अपने को वर्क कल्चर के हिसाब से नया वर्क कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा। हम लोग अपने अपने शहरों में हैं, क्यों हम लोग ग्राउंड स्टोरीज नहीं कर सकते क्या? हम लोग क्या कहीं और जाके आसपास के जगहों या ग्राउंड स्टोरीज नहीं कर सकते? अभी तो ज्यादा स्कोप है कि हम ग्राउंड में जा सकते हैं क्योंकि जब हम ऑलरेडी ग्राउंड में हैं, तो अभी काम करने का स्टोरीज का तरीका ही थोड़ा सा अपने को डेवलप करना पड़ेगा मुझे लगता है। प्रेरणा जी पहले इसको दो बार का मौका मिलेगा, सिद्धांत तुम्हारा कोटा हो गया, तुम ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहे। हाँ आयुष, सोशल एनिमल वाली बात बार बार आ जाती है। सोशल एनिमल ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ज्यादातर ह्यूमन सोशल एनिमल हैं और वो सोशली बिहेव करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान सोशल ही होना चाहे, या कुछ लिमिट्स होती हैं, आप उनको जबरदस्ती सोशल होने के लिए प्रेशर नहीं डाल सकते। बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उन्हें अपने में रहना पसंद होता है, बहुत सारे एम्बीवर्ट्स होते हैं, उनको रहता है कभी सोशल होना कभी अपने में रहना है। तो तो भाई ह्यूमन एज अ सोशल एनिमल वाली बात हम किसी को सोशलाइज करने के लिए पुश नहीं कर सकते, फोर्स करने वाली बात नहीं है ये, एक सिर्फ सिचुएशन मोहन और प्रेरणा आप लोग फोर्स कर रहे हैं। उमा आपका क्या कहना है इस पे? सर मुझे तो यही लगता है कि हम लोग जितना घर से अच्छे से कर रहे हैं सब कुछ, अभी कोरोना इस वजह से ये हो रहा है कि
हमें बाहर नहीं जाना है, लेकिन अगर हम लोग के सबके घर घर पे है या मान लो कोरोना खत्म हो गया, अभी तुम घर से काम करोगे? हाँ सर, वो सुटेबल है सबके लिए, क्योंकि आप अपने एक तो घर पे जाने के लिए मुझे हर बार एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी, आपको मेल नहीं करना पड़ेगा कि सर मुझे घर जाना है, और छुट्टी के लिए भी नहीं रहेगा, किसी की तबीयत खराब है तो वो ग्रुप में जैसे लिख देता है कि अब मैं की मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो उसी टाइम रेस्ट कर लेता है, लेकिन ऑफिस में रहता है, उसकी तबीयत खराब होती है तो उसको घर जाना पड़ता है, मेडिकल रूम में जाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो मतलब घर से काम करना ज्यादा सही लग रहा है, ट्रैवलिंग का भी बहुत ज्यादा मतलब जी, शाश्वत जी, क्या सर, बस आखिरी 5 मिनट बाकी, बस एक मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो संवाद कम हुआ है आपस में लोगों के बीच में, उसका कोई अगर अल्टरनेट निकल जाए तो सच में वर्क फ्रॉम होम से बेहतर कुछ नहीं है, मतलब बात नहीं हो पाती है आपसे, लोगों से या किसी से भी आपस में टीम में, तो थोड़ा अब जैसे इधर भी हमारी टीम में ही कर नए साथी नए साथी आए बहुत सारे टीम में ही अपने, लेकिन अब ऑफिस में होते तो आराम से उसी दिन बात हो गई होती, उसी दिन एक वो चीज अब यहाँ से पहुंच, वो जो चाय और मैगी की पर्ची मिलती है वो भी हम लोगों ने लूट मारी होती, ले ली होती सर, तो वो चीज अब यहाँ से पॉसिबल नहीं है, छोटी छोटी वीडियो एचआर भी देखेंगे ना, उनको भी पता चलेगा, जनता देखेगी लल्लन टॉप की, मेरी वाली तो मैगी आप ही खाए थे सर 30 रुपए की, अभिषेक को बोल रहे हो ना, आपको सर, आपको सर, हम ये सब मैदे की चीजें नहीं खाते हैं, हम एप्पल खाते हैं बेटा, घर पे एप्पल खा रहे हैं, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले रखवाले शूट करने निकल जा रहे थे, ऊपर से बढ़िया फॉर्मल शर्ट पहन रखी थी, नीचे से ब्लॉक वाला कच्चा पहन के घूम रहे थे घर में, ये नुकसान है, आदमी कैजुअल घूमता है ना, ये तो फायदा है, कैसे हुई, हाँ ये तो वो है ना, फायदा है कि जितना आप मुझे अभी खड़ा कर देते हो, जहाँ जबरदस्ती नहीं दिखना चाहते वहाँ नहीं दिख सकते, तभी कंफर्टेबल नहीं हो जाना है, क्यों नहीं हो जाना है, की और जाके सिद्धांत मोहन की जगह सुत लिए जाके, ठीक है, कोई अनुशासन कोई चीज होती है कि नहीं होती है, क्यों लाली, नहीं वो मन तो आपका भी करता तो सर आपने बताया था, हाँ भाई लाली हाँ सर, तो हम लोग अनुशासन से ही काम करते हैं, हम लोग अपने शिफ्ट पे उठ जाते हैं और ब्रश व्रश करके चाय वाय पीकर काम करने बैठे ताकि नींद ना आए, तो हम लोग तो अनुशासन का पालन करते हैं, हम लोग मतलब तुम और कौन पूरा छिंदवाड़ा, नहीं सर बहुत से लोग नहीं सर सारे छिंदवाड़ा का नहीं जानती, लेकिन हम अपनी टीम में काफी लोग करते हैं, जितने लोगों से मेरी बात होती है उनके बारे में, तो और लालिमा जी आपके लिए बुजुर्ग एक कहावत लिख गए हैं, लालिमा जी आपके लिए बुजुर्ग एक कहावत लिख गए हैं, शेख अपनी अपनी देख, दूसरों का बयाना मत लीजिए, चलिए सर ठीक है, अगर मैं अपनी बोलूं तो मतलब मैं अनुशासन में रहती हूँ घर पर भी, हाँ लाली तुम हमारी स्टार परफॉर्मर हो, शक्ति सर, लालिमा वहीं बसना है राजस्थान में, लालिमा सर आप पे सवाल, सर अभी आप रहते हैं, हाँ सर अगर ऐसा मिले और मैं काम में मतलब जिस तरह से काम मुझसे उम्मीद की जाती है उससे काम करूँ तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं करता रहने में, क्योंकि सर इसमें एक चीज ये भी है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों काम करते हैं, तो अभी जब हम जा रहे थे ऑफिस तो हमारे पास बहुत कम वक्त बचता था साथ में रहने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास वक्त रहता भी है, इसमें एक दूसरे की हम मदद भी कर पाते हैं, अक्सर शिकायत रहती थी कि उसका ऑफ अलग दिन रहता था मेरा ऑफ अलग दिन रहता था, तो हमारे पास अमित चौधरी के रवैये के बारे में शिकायत करते हुए, शक्ति की पारिवारिक जरूरतों का ख्याल ना रखते हुए इनको गलत दिन ऑफ दिया जाता है, सर हमारा टाइम खत्म हो रहा है, हाँ मैं अब इस बहस को ऑफ करता हूँ, प्रतीक्षा जी व्हाट्स द कंक्लूडिंग रिमार्क, आपकी बिल्लियां आपसे ज्यादा खुश होंगी प्रतीक्षा जी, आप ज्यादा वक्त दे पा रही उन्हें, कॉपी कर रही है और वो आके आपकी गोद में बैठ जाए, नहीं नहीं बिल्लियां बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है, बिल्लियां हर हाल में खुश रहती है, हाँ मतलब थोड़ा ये है कि अब दोबारा ऑफिस शुरू होगा तो शायद हमारा जो कैट है वो थोड़ा सा डिप्रेस या एंग्शियस फील करे, बट दे विल गेट यूज्ड टू इट, दे आर नॉट लाइक अस, तो मैं चाहता हूँ कि एक बड़े से चौराहे पर एक बड़ी सी होर्डिंग पर ये वाक्य लिखवा दिया जाए, बिल्लियां हर हाल में खुश रहती हैं, आप जब तक घर से काम कर रहे हैं, कस्बों से कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, आपको अपनी खुशी की वजहें खोजनी होगी, चाहे वो पौधों में पानी डालना हो, चाहे वो सब्जी में छौंका लगाना हो,
चाहे इस तरह की अपने दफ्तर वालों के साथ रैंडम कॉल करनी हो, चाहे प्रेरणा जैसे फन कमांडो से घिरे रहना हो। प्रेरणा जी हमारी फन कमांडो है जिनका फन सिर्फ उन्हीं को समझ में आता है। प्रेरणा जी एचआर की सफलता का वो इश्तिहार है जो हर दफ्तर में पाया जाता है। गाइज लेट्स डू सम क्रेजी कूल बनाना। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने अपना अपना वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। अब आपकी बारी है, आप दर्शक जो घर से काम कर रहे हैं या दफ्तर जा रहे हैं। दफ्तर जा रहे हैं तो शायद आपके घर वालों को शुभा हो रहा हो, शंका हो रही हो कि कहीं आप COVID-19 की चपेट में तो नहीं आ जाएंगे, या घर में काम करने के दौरान कभी आपको स्पेस की समस्या, कभी बिजली की, कभी इंटरनेट की, कभी जो वर्क और लाइफ होम बैलेंस है उसके बिगड़ने की, आपके क्या कंसर्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उतने ही बेबाक ढंग से लिखिए जितने ढंग से ललन टॉप के कुछ टीम मेंबर्स ने खुलकर बात की। शुक्रिया।